नमस्कार, हम अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम का शुरुआत राष्ट्रीय गीत नेशनल एंथम जन गण मन से करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हो भाग्य विधाता। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा आप सभी को संबोधन करें। नमस्कार, आपने जिस तरह से मेरा स्वागत किया, मुझे तो एक बार लगा कि मैं भारत के ही किसी भाग में हूं। इतना उत्साह, इतना प्यार पाकर मैं गदगद हूं और आप सबके प्यार के सामने नतमस्तक हूं। मैं हिज हाइनेस किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा का, हिज हाइनेस प्रधानमंत्री जी का, बहरीन की सरकार का, यहां के लोगों का भी इतना आदर सत्कार देने के लिए हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे एहसास है कि भारत के प्रधानमंत्रियों को बहरीन पहुंचने में कुछ ज्यादा ही समय लग गया। लेकिन बहरीन में आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य भी मुझे मिला है और आपके इतने आशीर्वाद पाने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। ऐसा लगता है कि परमात्मा ने बहुत सारे काम मेरे लिए ही बाकी रखे हैं।
साथियों, यहां मंच पर आते आते मैं देख रहा था कि भारत की कल्चरल हेरिटेज की शानदार प्रस्तुति की जा रही थी, मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, भारत की हर भाषा, हर सुर की गुंज, एकता के, अनेकता में एकता के भव्य रंगों से सजी हुई थी। भारतीयता की विविधता, भारतीयता के ही ये रंग, यही तो हमारी शक्ति है। भारत की यही इंद्रधनुषी छवि पूरी दुनिया को चकित करती है, आकर्षित करती है। साथियों, बहरीन की मेरी ये यात्रा भले ही सरकार के मुखिया के नाते प्रधानमंत्री के तौर पर है, लेकिन मेरा मकसद यहां बसे भारतीयों से मिलना, और बहरीन के लाखों दोस्तों से संवाद करने का भी है। मेरा प्रयास 5000 साल पुराने रिश्तों को 21वीं सदी की ताजगी और आधुनिकता देने का है। वो रिश्ते जो सुमेर के, दिलमुन के, सिंधु घाटी से थे, वो 21वीं सदी के भारत और बहरीन के बीच नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, इस काम के लिए मैं भी आपका एक साथी बनकर आपके बीच खड़ा हूं। मैं बहरीन के लाखों साथियों को 130 करोड़ सपनों के न्यू इंडिया में नई अपॉर्चुनिटी, नए होराइजन की तरफ आमंत्रित करने आया हूं। बहनों और भाइयों, बहरीन से हमारे संबंध व्यापार और कारोबार के तो रहे ही है, इससे भी बढ़कर मानवीयता के रहे हैं, संवेदनाओं के रहे हैं, संस्कृति के रहे हैं, मूल्यों के रहे हैं। हजारों वर्षों से एक दूसरे के यहां जो हमारा आना जाना है, उसने अपनी छाप दोनों देशों में छोड़ी है। हिज हाइनेस प्रधानमंत्री जी से मेरी बृहत उपयोगी बातचीत हुई है। हमारे बीच मजबूत सहयोग को और मजबूत बनाने के अलावा हमने अपने रिश्तों को
नए एरिया से जैसे स्पेस में भी बढ़ाने का फैसला किया है। हिज मैजेस्टी द किंग से मुलाकात के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूं। उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा, इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। दोनों देशों के समाज ने लंबे समय से एक दूसरे से बहुत कुछ पाया है, विशेष तौर पर हमारे फैमिली वैल्यूज। दोनों देशों के समाज ने बहुत एक प्राथमिकता दी है। एक मजबूत और सशक्त फैमिली सिस्टम को हमने समाज के सशक्तिकरण का आधार माना है। फ्रेंड्स, आज जन्माष्टमी का पवित्र पर्व है। आपको भी और विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय को भी मेरी तरफ से श्री कृष्ण जन्मोत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मुझे बताया गया है कि गल्फ क्षेत्र में जन्माष्टमी पर कृष्ण कथा सुनाने की परंपरा आज भी है। भारतीयों का, खासकर गुजरात और गुजरातियों का कृष्ण भगवान के प्रति जरा विशेष प्रेम है, विशेष श्रद्धा है। आज भी गुजरात के गांव में श्री कृष्ण का समर स्मरण करते हुए रासलीला की परंपरा चलती है और गुजरात से बहरीन का पुराना संपर्क है। तो यह स्वाभाविक है कि यहां भी कृष्ण भगवान की मुरली आपके हृदय में गूंजती ही होगी। यहां भी द्वारकाधीश के प्रति सद्भाव हो, ये मेरा सौभाग्य है कि कल मैं सिन्हा जी के मंदिर जाकर आप सबकी और आपके मेजबान देश की समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। यह इस पूरे क्षेत्र में सबसे पुराना मंदिर है। हाल ही में श्रीनाथ जी के इस मंदिर को 200 साल हुए हैं। मुझे जानकारी है कि किस प्रकार श्रद्धा और उल्लास के साथ आपने और भारत से आए भक्तों ने यह अवसर मनाया। यह भी खुशी की बात है कि कल इस मंदिर के पुनर्विकास का काम भी औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा। यह मंदिर आपके अंदर बसी
आस्था का जीता जागता प्रतिबिंब है और साथ ही बहरीन की विविधता और सामंजस्य की उत्कृष्ट परंपरा का प्रतीक भी है। वहां अनेक लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि बहरीन के समाज ने भारतीय आस्था परंपरा को बहुत सहज करके रखा है। साथियों, ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारा रिश्ता सिर्फ सरकारों का नहीं, संस्कारों का भी रहा है, समाज का भी रहा है। बहरीन की ग्रोथ स्टोरी में आपका बड़ा रोल है। यहां की मिट्टी ने आपको, आपके सपनों को, आपके अपनों के सपनों को नई उड़ान दी है, नए पंख दिए हैं, नए अवसर दिए हैं। जब भी मैं यहां की सरकार के भारतीय साथियों के साथ, यहां के बिजनेस से जुड़े साथियों से, यहां पर बसे, यहां काम करने वाली साथियों की प्रशंसा सुनता हूं तो हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। आज भी रॉयल हाइनेस यहां के प्रधानमंत्री जी आप लोगों की इतनी तारीफ कर रहे थे, इतनी तारीफ कर रहे थे, तारीफ तारीफ आपकी हो रही थी, बात आपके पुरुषार्थ की होती थी, बात आपके संस्कारों की होती थी, बात आपके व्यवहार की होती थी और सीना मेरा चौड़ा होता था। भारतीयों की ईमानदारी, निष्ठा, कर्मशीलता और यहां के सामाजिक आर्थिक जीवन में आपके योगदान को लेकर यहां पर अपार सद्भावना है। आपने अपनी मेहनत से यहां अपने लिए जगह बनाई है और सबसे बड़ी बात है, आपने यहां के लोगों के दिल में जगह बनाई है। इस गुडविल को हमें और मजबूत करना है। साथियों, भारत के विकास में भी आपका योगदान प्रशंसनीय है। आपकी मेहनत भारत में रह रहे आपके अपनों के भी काम आ रही है, अपने परिवार के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में काम आ रही है। साथियों, भारत में आज ईज ऑफ लिविंग हमारी प्राथमिकता है। न्यू इंडिया में
किसी को अपनी बेसिक जरूरतों के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए अनेक विध काम किए जा रहे हैं। आज जब आप भारत में रह रहे अपने परिजनों, अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं तो आप परिवर्तन महसूस करते हैं। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ लूं, क्या आपको ये चेंज फील हो रहा है? भारत के तेवर और कलेवर बदलते दिख रहा है, पक्का दिख रहा है। भारत और भारतीयों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? माथा ऊंचा कर करके जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? आंख में आंख मिलाकर बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बीते 5 वर्षों में सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने पर बल दिया गया है। देश के करोड़ों गरीब परिवारों के लिए घर बनाए गए, घरों में टॉयलेट, बिजली, गैस कनेक्शन, ऐसी हर मूलभूत सुविधा पहुंचाने का हमने बीड़ा उठाया। आज भारत का लगभग हर परिवार बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। मोबाइल फोन, इंटरनेट भारत के सामान्य से सामान्य परिवार की पहुंच में है। दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा अगर कहीं है तो वो भारत में है। आज भारत में अधिकतर सर्विसेज की डिलीवरी डिजिटली हो, इसके प्रयास आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सामान्य से सामान्य परिवार को भी सोशल सिक्योरिटी की सुविधा दी जा रही है। इंश्योरेंस हो या पेंशन, बहुत ही मामूली प्रीमियम पर गरीब से गरीब को उपलब्ध कराई जा रही है। इतना ही नहीं, करीब 50 करोड़ भारतीयों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी की गई है। साथियों, यही वो बदलाव है जिसके कारण 130 करोड़ भारतीयों ने पहले से भी बड़े जनादेश से इस सरकार को चुन करके
फिर एक बार आपकी सेवा करने का अवसर दिया है। हर भारतीय को ये विश्वास हुआ है कि भारत के सपने पूरे हो सकते हैं, आशाएं और आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं, संकल्प सिद्ध हो सकते हैं। भारत की इसी आस, इसी विश्वास के बल पर आपका ये सेवक नए नए संकल्पों को सिद्ध करने में जुटा है। हमारे लक्ष्य ऊंचे हैं, लेकिन जब आपके पास 130 करोड़ लोगों की भुजाएं हो तो हौसला मिल ही जाता है। भारत आज आगे बढ़ रहा है तो सिर्फ सरकार की कोशिशों से नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भागीदारी से आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों, मुझे कहने में संकोच नहीं है और मैं सर झुका करके कहना चाहता हूं, सरकार सिर्फ स्टीयरिंग पर है, सरकार सिर्फ स्टीयरिंग पर बैठी है, एक्सेलेटर पर देश की जनता का हौसला। साथियों, अब भारत ने यह तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर आज एक टारगेट, उसको हमारे सामने हमने रखा है। हमारे लिए 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी ये महज आंकड़ा नहीं है, बल्कि सामान्य भारतीय को सशक्त करने का माध्यम है। अर्थव्यवस्था 2 गुनी होगी तो हर भारतीय परिवार की आय भी बढ़ेगी, सामान्य से सामान्य भारतीय की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। भाइयों और बहनों, 5 ट्रिलियन डॉलर के इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए हमारे पास पोटेंशियल भी है और प्लान भी है। और पसीना बहाने की पूरी तैयारी भी है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने अभी काम शुरू नहीं किया है, लेकिन बीते 5 वर्षों में एक मजबूत नींव बना चुके हैं। हर ग्लोबल रैंकिंग में आज भारत व्यापक सुधार कर रहा है।
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, अंगटार द्वारा लिस्ट किए गए 10 एफडीआई डेस्टिनेशन में भी भारत ने सुधार किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमारा लक्ष्य टॉप 50 देशों में आने का है। इसी का परिणाम है कि आज रिकॉर्ड स्तर पर भारत में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मुझे विश्वास है कि बहरीन के हमारे दोस्त भी भारत में निवेश के इस अभूतपूर्व माहौल का लाभ उठाने के लिए और अधिक उत्सुक होंगे। साथियों, आज भारत में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हो रहा है। रोडवेज, हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, हाईवेज, इन सब का जाल बिछाया जा रहा है। आने वाले 5 वर्षों में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 100,00,000 करोड़ रुपए के निवेश का टारगेट रखा गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज मोबाइल फोन और आधार की व्यवस्था से भारत दुनिया के सबसे अधिक डिजिटली कनेक्टेड देशों में से एक है। अब देश के हर ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। देश में 5G कनेक्टिविटी के लिए भी अलग अलग स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारे पास डेटा का एक बहुत बड़ा और व्यापक खजाना है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के भारतीय मॉडल की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। आप सभी भी भारत में आई डिजिटल रिवॉल्यूशन के बहुत बड़े लाभार्थी रहे हैं। आप सभी ने अनुभव किया होगा कि 5 वर्ष पहले तक अपने परिजनों, अपने रिश्तेदारों से बातचीत करना और वहां पैसे भेजने में कितनी मुश्किल होती थी। अब बहुत ही आसानी से आप ये सब कुछ कर पाते हैं। भीम ऐप, BHIM, भीम ऐप, UPI और जनधन खाते जैसी सुविधाओं ने भारत में बैंकिंग को सामान्य मानवी के लिए सुलभ कर दिया है। हमारा रुपे कार्ड अब पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शन का एक पसंदीदा माध्यम बन रहा है। अब हमारे रुपे कार्ड को दुनिया भर के बैंक और सेलर स्वीकार कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि बहरीन में भी शीघ्र ही रुपे कार्ड से आप लेन देन कर पाएंगे। आज यहां पर रुपे कार्ड के इस्तेमाल के लिए MOU साइन किया गया है और इससे आपको कैशलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा तो मिलेगी ही। आगे हमारा इरादा है कि रुपे कार्ड के जरिए
आपको भारत में अपने घर पैसे भेजने की सुविधा भी मिल जाए और जिससे पैसे भेजने का खर्चा कम हो और ट्रांजेक्शन भरोसेमंद भी हो। अब आप बहरीन के अपने दोस्तों को भी कह सकेंगे कि पे विथ रुपए, पे विथ। मित्रों, कुछ समय पहले तक यहां रुपये का चलन था, यहां रुपया चलता था। अब थोड़े दिनों बाद यहां रुपे कार्ड चलना शुरू हो जाएगा। भाइयों और बहनों, रुपे कार्ड भारत की उन व्यवस्थाओं में से एक है जो पूरे देश को सीमलेस कनेक्टिविटी दे रहे हैं। आज सीमलेस मोबिलिटी के लिए भारत वन नेशन वन कार्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज पूरे भारत में पावर सप्लाई के लिए वन नेशन वन ग्रिड है। पूरे भारत के लिए जीएसटी के रूप में वन नेशन वन टैक्स है। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं जो भारत में जीवन और कारोबार को आसान बनाने के लिए बनाई जा रही है। अहम बात यह है कि ये तमाम सॉल्यूशंस भारत में ही बन रहे हैं, भारत के युवा ही बना रहे हैं। आज भारत लोकल सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल एप्लीकेशन, लोकल सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल एप्लीकेशन, इस कंसेप्ट पर गंभीरता से काम कर रहा है। साथियों, भारत ने दुनिया के सामने अपने सामर्थ्य को दिखाया है। आज भारत का टैलेंट भारत की वैश्विक पहचान बन रहा है। भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी ऐसे चमत्कार कर रहा है जिसको लेकर हर कोई अचंभित है। विश्व के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, भविष्य से जुड़ी तकनीक के शोध में, बड़े बड़े संस्थानों में भारतीय प्रतिभा अपने जौहर दिखा रही है। वहीं भारत में भी एक के बाद एक सफलता के नए आयाम तय किए जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि 7 सितंबर को भारत का चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला है। भारत के स्पेस मिशंस की पूरी दुनिया आज चर्चा कर रही है। इसरो की, हमारे वैज्ञानिकों, हमारे इंजीनियर्स की क्षमताओं की पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। दुनिया हैरान है कि आखिर इतने सीमित बजट में सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल, एफिशिएंसी और डिसिप्लिन के दम पर ऐसे परिणाम हम कैसे हासिल कर पा रहे हैं। असल में
यही हमारी ताकत है और यही हमारा एडवांटेज है। हम बड़े काम, बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिर्फ बजट पर नहीं बल्कि बेजोड़ इच्छा शक्ति पर भरोसा करते हैं। भाइयों और बहनों, राष्ट्र सिर्फ सरहदों से नहीं, गर्व से ऊंचे उठे सरों से बनता है। पिछले 5 साल में हमारी कोशिश रही है कि देश से 130 करोड़ भारतीयों के साथ ही विदेश में रहने वाले करोड़ों भारतीयों का सिर हमेशा हमेशा के लिए ऊंचा रहे। आप जैसे लाखों भारतीय पूरे विश्व के साथ भारत के रिश्तों की मजबूत कड़ी है। आज अगर भारत को दुनिया सम्मान की नजर से देखती है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण आप जैसे लाखों साथी है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार जिस तरह आपके अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ खड़ी रही है, आगे भी पूरी मजबूती के साथ आपकी सेवा के लिए तैयार मिलेगी। साथियों, साल 2022 में हमारा आजाद भारत 75 वर्ष का हो जाएगा। इस अहम पड़ाव के लिए हर भारतीय ने अनेक संकल्प लिए हैं। मेरा आपसे भी आग्रह रहेगा कि आप भी अपने स्तर पर कुछ नए संकल्प लेकर चलें। जैसे आप तय करें कि हर व्यक्ति हर वर्ष अपने कुछ बहरीन दोस्तों को इंडिया टूर के लिए मोटिवेट करेंगे। भारत के खूबसूरत हिल स्टेशन से लेकर समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के दर्शन कराएंगे। भारत के क्वालिटी मेडिकल और मेडिटेशन टूरिज्म के बारे में भी अपने बहरीन साथियों से जरूर चर्चा करें। ये साल तो वैसे भी बहुत अहम है। इस वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती देश मनाने वाला है। यूं तो ये उत्सव बहरीन सहित पूरी दुनिया में मनाया जाएगा, लेकिन गांधी जी से सही मायने में जुड़ने के लिए भारत से बेहतर जगह और क्या होगी। साथियों, भारत के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को हम तभी ठीक से निभा पाएंगे जब बहरीन के संकल्पों के साथ पूरे तन मन से हम जुड़ेंगे। मुझे बताया गया कि हिज हाइनेस ने और यहां के युवाओं नागरिकों ने अपने समुद्रों को साफ करने की मुहिम छेड़ी है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस मुहिम में आप सब बढ़ चढ़कर के हिस्सा लें।
भारत में भी हमने स्वच्छता को लेकर एक सफल और व्यापक अभियान छेड़ा है। अब भारत ने तय किया है कि साल 2022 तक भारत को सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक से मुक्ति दिलाएंगे। इतना ही नहीं, पानी को बचाने और हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए भी एक बहुत बड़ा मिशन शुरू किया गया है। आप भी इस अभियान में सक्रियता से हिस्सा ले सकते हैं। अपने पुश्तैनी गांव के कुओं, बावड़ियों, तालाबों, झीलों, जिनके साथ आपके बचपन, आपके माता पिता के बचपन की यादें जुड़ी हैं, उनको रिवाइव करने का बीड़ा आप उठा सकते हैं, उन्हें गोद ले सकते हैं। साथियों, बहरीन और भारत के साझा हितों और साझा मूल्यों के लिए हम काम करेंगे तो 21वीं सदी में हमारे ऐतिहासिक रिश्ते जरूर नई बुलंदी को छुएंगे। भारत और बहरीन दोनों संभावनाओं से भरी प्राचीन सभ्यताएं लेकिन आधुनिक राष्ट्र हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के आप जैसे लाखों दूत रिश्तों की, संभावनाओं की इस मजबूत डोर को और ताकत देंगे। साथियों, मैं कर्तव्य से बंधा हुआ इंसान हूं। एक तरफ बहरीन उत्साह और उमंग से भरा हुआ है, देश जन्मोत्सवी का, कृष्ण जन्म का उत्सव मना रहा है। उस पल मेरे भीतर एक गहरा शोक, एक गहरा दर्द, मैं दबाए करके आपके बीच खड़ा हूं। विद्यार्थी काल से जिस दोस्त के साथ सार्वजनिक जीवन के एक के बाद एक कदम हम मिलकर के चले, राजनीतिक यात्रा साथ साथ चली, हर पल एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, साथ मिलकर के जूझते रहना, सपनों को सजाना, सपनों को निभाना, ऐसी एक लंबी सफर जिस दोस्त के साथ की, वो अरुण जेटली, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, आज ही उन्होंने अपना देश छोड़ दिया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मैं इतना दूर यहां बैठा हूं और मेरा एक दोस्त चला गया, एक भारी व्यथा के साथ, दुख के साथ। अरे, अगस्त महीना कुछ दिन पहले हमारी पूर्व विदेश मंत्री बहन सुषमा जी चली गई। आज मेरा दोस्त अरुण चला गया। बड़ी दुविधा की पल है मेरे सामने। एक तरफ
कर्तव्य भाव से बंधा हुआ हूं, दूसरी तरफ दोस्ती का एक सिलसिला भावनाओं से भरा हुआ है। मैं आज बहरीन की धरती से भाई अरुण को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं, उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति दे, ये प्रार्थना करता हूं। और एक बार फिर यहां आने के लिए, मुझे बातचीत का अवसर देने के लिए बहरीन के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार।